हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर। और मैं काफ़ी दिनों से मैं लाइव क्लास आपके पीछे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास है जो कुछ दिन के लिए अभी मैं बंद कर दूँ, इसलिए मैं आज आपके बीच में फोर्थ वीडियो लाया हूँ। ठीक है, और यह आई थिंक की वीडियो अभी मिल जाएगी। ठीक है, मैं पहले ही शूट कर रहा हूँ। तो आज क्लास फोर्थ क्लास है, जो कि SSC एंटोनिम्स की जो क्लास है, जो 100 जो रिपीट की गई है, जो 100 जो वोकैबुलरी उनको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी जो क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस मैंने पढ़ाई है, वो हो चुकी हैं काफ़ी। ठीक है, तो यह आपकी फिफ्थ क्लास है और आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा मैंने SSC के जो 100 जो टॉप रिपीटेड जो सिनोनिम थे, उसकी भी क्लासेस मैंने की हैं, वो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वोकैबुलरी आगे की फिफ्थ क्लास में। ठीक है, तो जो कि हम 41 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल एक जो मिस्टेक हुई थी, उसको भी मैं रिमूव करने का प्रयास करूँगा, तो उसका भी मैंने वोकैबुलरी के तौर पर लिया है। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हो, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और सही लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं इस क्लास में और देखते हैं वोकैबुलरी। तो चलते हैं आगे। तो फर्स्ट है, देख लो बिना टाइम वेस्ट किए, एविडेंट। एविडेंट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। इसका एंटोनिम क्या होता है? एविडेंट के एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? ऑब्स्क्योर एंड डाउटफुल। जो चीज़ प्रत्यक्ष हो उसे हम एविडेंट बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो, जो ऑब्स्क्योर हो, डाउटफुल हो, सब क्या स्पष्ट या संदिग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पष्ट या फिर संदिग्ध। अस्पष्ट जो कि क्लियर ना हो या फिर संदिग्ध व्यक्ति हो, मतलब ऑब्स्क्योर हो या फिर डाउटफुल व्यक्ति हो, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कल की थी, कल मिस्टेक हो गई थी लाइव क्लास में, पढ़ाते इस टाइम पर मैंने कुछ का कुछ लिख दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है, देखो 41 से लेके 50 तक है, जो कि मैंने फर्स्ट से लेके जो कि मैं चला रहा हूँ, फर्स्ट से लेके 10th तक, 10th डेली, मतलब 10 क्लासेस में कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे आराम से याद हो सके और 10-12 मिनट में आप आसानी से इस क्लास को कंप्लीट कर सकें और साथ ही साथ समझ ही सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट का इम्पेड। इम्पेड मीन्स क्या होता है? इम्पेड मीन होता है बाधा डालना। क्या? इम्पेड मीन्स का बाधा डालना किसी की वजह, इम्पेड करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एम्पेड मतलब बाधा डालना, और इसका एंटोनिम्स के अपोजिट क्या होगा? तो एम्पेड मतलब होता है, इसका एंटोनिम होगा एक्सपीडेट। एक्सपीडेट और एडवांस एंड फैसिलिटेट मतलब क्या? प्रगति करना। क्या मतलब? प्रगति करना। क्या? एक्सपेंडिडेट, एक्सपेंडाइट, एडवांस और फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना, ठीक है, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं आसानी के साथ, प्रगति करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा एम्पेड का? क्या? एक्सपी डेट, एक्सपीरेट, एडवांस और फैसिलेट, हम बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं आसानी के साथ, हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना, मतलब बिना पहले सोचे हुए, बिना पहले सोचे, जो हम सोचते नहीं है, तो उसको इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि बिना हम, बिना पहले सोचते हुए कुछ भी हम सोचते हैं बिना पहले, ठीक है, तो बिना पहले सोचे हुए, बिना पहले सोचे हुए, तो उसका एंटोनिम क्या है, उसका अपोजिट क्या होगा? तो देखो क्या है, क्या है? प्रीमीडिएटेड। प्रीमीडिएटेड, ओके, एंड प्रिपेयर्ड एंड प्लान। प्रीमीडिएटेड, प्रिपेयर्ड एंड प्लान, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रीमीडिएटेड मतलब पूर्व निर्धारित, या पर क्या हो, जो कि प्रीमीडिएटेड हो, निर्धारित हो, या पर तैयार हो। क्या? तैयार हो, तो हम उसे बोल सकते हैं क्या? पूर्व निर्धारित और तैयार, हम बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आसानी से, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, जो कि SSC में पूछा गया, एंटोनिम हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट का इनसाइट। इनसाइट मीन्स क्या होता है? उत्तेजित करना। क्या? उत्तेजित करना, इसका एक मीनिंग होता है स्टिमुलेट भी करना। क्या? उत्तेजित करना, इनसाइट करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रोहिबिट, डिस्करेज एंड रेस्टेन। तो इसका हतोत्साहित करना, एक उत्साहित करना, एक हतोत्साहित होता है ना, उत्तेजित, उत्तेजित करना, हतोत्साहित करना। तो प्रोहिबिट, डिस्करेज एंड डिस्ट्रेन, क्या? रेस्ट्रेन बोल सकते हैं, हतोत्साहित हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है क्या, क्या? इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स क्या होता है? जानबूझकर। इंटेंशनल, ठीक है, जानबूझकर। ठीक है, तो जानबूझकर, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटेंशन। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सीडेंट, आकस्मिक। क्या? जो कि आकस्मिक हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, तो इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, ठीक है, बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, एक होगा जानबूझ के, एक आकस्मिक होगा, एक्सीडेंटल होगा। ऐसे देखते हैं 45
5 देखते हैं miserable. Miserable means होता है दुखी. क्या होता है? Miserable means दुखी. जो व्यक्ति क्या दुखी होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो देखो, हैप्पी, चेयरफुल एंड जॉयफुल. हैप्पी, चेयरफुल एंड जॉयफुल, ठीक है. और हिंदी में बोले तो खुश या खुशहाल, खुश हो या फिर खुशहाल हो, तो इसका एंटोनिम बोल सकते हैं. ऐसे नेक्स्ट है क्या, क्या ओपिक, क्या ओपिक, क्या ओपिक, ओपिक. तो ओपिक मीन्स क्या होता है? अपारदर्शक. क्या ओपिक? तो अपारदर्शक होता है. ओपिक मीन्स होता है अपारदर्शक, जो अपारदर्शक. एंटोनिम देखो इसका, जो अपारदर्शक, तो इसका अपारदर्शक एंटोनिम क्या होगा? पारदर्शक या फिर स्पष्ट हो. इसका क्या? ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर. क्या? ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर मतलब पारदर्शक या जो स्पष्ट, जो पारदर्शक हो या स्पष्ट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर हम बोलेंगे, यूज करने के आसानी के साथ में, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट लिखा ओवर्ट. ओवर्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष. जो व्यक्ति क्या प्रत्यक्ष हो, तो एक ही है ओवर्ट, जो प्रत्यक्ष हो, जो सामने हो. हम बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है. तो क्या है ये? ओवर्ट. ओवर्ट मीन्स प्रत्यक्ष. एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा हिडन एंड कंसीलेड. क्या? हिडन एंड कंसीलेड मतलब छिपा हुआ. जो हिडन है, कंसीलेड है, जो छिपा हुआ है. तो ये आपका 47 हो गया, जो कि ओवर्ट प्रत्यक्ष. ओवर्ट का क्या होगा? हिडन एंड कंसीलेड हम बोल सकते हैं, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट है रिवील. रिवील मीन्स होता है प्रकट करना. क्या? रिवील मीन्स क्या होता है? प्रकट करना. क्या? प्रकट करना. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इससे मिलकर जुलता है. तो ये हिडन मतलब छिपा हुआ है, कंसीलेड इसका देखो हाइड. हाइड मीन्स छिपाने, बोब है. हाइड मीन्स छिपाना और कंसील, ये कंसील, ये है हाइड, ठीक है. ध्यान रखना, देखो ये लगभग सिमिलर लग रहा है, सिमिलर लग रहा है, ठीक है. लेकिन बस किस में अंतर है? ये आपका बोब है और ये आपका नाउन है, ठीक है, नाउन है. तो हाइड एंड कंसीलर छिपना, ठीक है, बोल सकते हैं. रिवील प्रकट करना, हाइड करना, कंसील करना, इसका भी सेम है. ओवर्ट इज प्रत्यक्ष, हिडन कंसीलर छिपा होगा. तो इसका छिपा होगा, ये छिपाना है, ठीक है. तो एक वर्ब के तौर पर इसको था. एक दूसरा है स्पार्स. मैंने इसको कल पढ़ाया था, मतलब कल या परस, स्पार्स, ठीक है. उल्टा मतलब स्पार्स मीन्स क्या होता है? स्पार्स मीन्स होता है घना या बिरल, जो जो असघन हो. क्या? असघन हो, जो सघन ना हो, ठीक है. इसको बोलते हैं असघन, ठीक है. मैं उस दिन रिपीट हो रही है, लेकिन ये मतलब इसका उल्टा पुलटा हो गया, ठीक है. स्पर्श मीन्स का बरल. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ध्यान रखना, क्या होगा? बन, क्या लिखो? बंडेंट एंड डेंस. बंडेंट एंड डेंस मतलब सघन. क्या हो? सघन हो, जो कि या फिर घना हो. क्या? घना हो. जैसे जंगल क्या होता है? घना रहता है, तो उसे अबेंडेंट एंड डेंस बोलेंगे, ठीक है. और जो जो असघन हो या फिर जो बरल हो, उसे हम स्पर्श बोलते हैं, ठीक है, स्पर्श बोलते हैं. आई होप आपकी समझ में आ गया होगा. ऐसे नेक्स्ट है क्या? स्क्वेंडर. स्क्वेंडर मीन्स क्या होता है? फिजूल खर्ची करना या धन लुटाना. बोलते हैं ना फिजूल खर्ची करना या धन लुटाना. जो फिजूल खर्ची करता है और धन लुटाता है, वो सब स्क्वेंडर बोलते हैं. इसका एंटोनिम क्या होगा? देखो तो क्या है? स्क्रिम्प. क्या? स्किम्प और हॉर्ड एंड सेविंग. स्क्रिम्प, हॉर्ड एंड सेविंग मतलब क्या? कंजूसी. कंजूसी या फिर क्या है? इकट्ठा. इकट्ठा या बजट. तो कंजूसी, इकट्ठा या बजट. तो कंजूसी करना, इकट्ठा करना या फिर क्या? बजट करना, ठीक है. तो ये फिजूल खर्ची है. ये फिजूल खर्ची, इसका मतलब फिजूल खर्च होता है. स्क्वेंडर में मतलब होता है ये स्क्रिम्प, हॉर्ड एंड सेविंग. क्या? कंजूसी या इकट्ठा करना या फिर सेविंग करना. इकट्ठा या सेविंग हम बोल सकते हैं, बचत बोल सकते हैं. तो आज की आपकी SSC की जो 100 जो वोकैबुलरी उनमें से थी, ठीक है. हमने आज 50 तक कंप्लीट कर ली. 5th क्लास थी, जो कि मोस्टली रिपीटेड किए जाते हैं, किए गए हैं अभी तक की SSC के एग्जाम में. तो आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो. तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं. साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें. साथ ही साथ आप एक कमेंट भी कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अपना खूब सारा ख्याल रखें.